चाहे अग्निपथ योजना हो, किसानों के तीन कानून या नोटबंदी, विपक्ष और पत्रकार का काम होता है सरकार के कदमों पर सवाल खड़े करना। मोदी सरकार ये बात गांठ बांध कर रख ले, हर बात को लेकर इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। जी हां, इस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर जो जबरदस्त बवाल चल रहा है, हिंसा चल रही है, उसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है विपक्ष को, कुछ पत्रकारों को और कोचिंग सेंटर्स को। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूं कि आप में से जो लोग हिंसा कर रहे हैं, कल को अगर आप सैनिक बनेंगे तो आपकी ये दोनों किरदार आपस में मेल नहीं खाएंगे। एक सैनिक इस तरह की हिंसा नहीं कर सकता। मगर सबसे शर्मनाक है मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अनाप शनाप बयान दे सकते हैं, मगर जब विपक्ष सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़ा करे तो उन्हें भड़काऊ बताया जाए। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आज कुछ पूर्व सैनिक सवाल कर रहे हैं, क्या इन सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास है? जैसे कि आप जानते हैं, इस योजना के फायदे गिनाने के लिए कल सेना के तीनों अंगों के जो प्रमुख हैं या बड़े बड़े अफसर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मुद्दे को लेकर कई रिटायर्ड सैनिकों ने सवाल उठाए हैं और एक एक करके ये आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहून। वो साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सेना के तीनों प्रमुख या उनके बड़े अफसर आकर सरकार की योजना की खूबियां बता रहे थे, क्या वो खुद अपनी इच्छा से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? उन्होंने एक बहुत अहम बात की है। आपके स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहून क्या कह रहे हैं। आर जनरल्स एंड चीफ्स वॉलंटरली कमिंग टू फोर टू डिफेंड अग्निपथ स्कीम और आर आस्क्ड टू डू सो? क्या वो खुद अपनी स्वेच्छा, अपनी मर्जी से अग्निपथ स्कीम के फायदे बता रहे हैं या उन पर दबाव डाला गया है? यह एक बहुत ही गलत चीज है जो जनरल और प्रमुख कर रहे हैं। उसके आगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल दुहून क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जनरल सर्स को यह पता होना चाहिए कि आपने शपथ ली है इस देश की एकता की रक्षा करने के लिए, आपने शपथ ली है इस देश के संविधान को बनाए रखने के लिए, सरकार की रक्षा करने की आपने शपथ नहीं ली है। और यह ना भूलें कि सरकार का एक राजनीतिक अंग है, और यहां राजनीतिक अंग क्या है, यहां राजनीतिक अंग है बीजेपी। आपके स्क्रीन पर एक और जनरल दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया। विनोद भाटिया वो शख्स हैं जिन्होंने अग्निपथ योजना की शुरू से ही आलोचना की है। उन्होंने ये कहा है कि जो सरकार पेंशन बचाना चाहती है उसे यह पता होना चाहिए कि ज्यादा महंगा पेंशन है या दुश्मन के हाथों हार। अब वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और बहुत ही वाजिब बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से सरकार की है, सेना की नहीं है। यानी कि सरकार का जो राजनीतिक अंग यानी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, सेना की नहीं है। वो आगे ये भी कहते हैं, द अग्निपथ स्कीम शुड एंश्योर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस एंड मीट द एस्पिरेशंस ऑफ अग्निवीर्स। कहते हैं कि जो अग्निपथ योजना है, जो उम्मीदें हैं अग्निवीरों की, उस पर खरा उतरना चाहिए अग्निपथ योजना को। वो ये कहते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द गवर्नमेंट टेक्स ओनरशिप, और ये तभी संभव है जब सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। दिक्कत क्या है दोस्तों कि अब सेना को आगे लगा दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत ने खुद कहा था कि पेंशन बजट जो लगातार बढ़ रहा है उससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि जवानों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए। और अब क्या कहा जा रहा है, अब यह कहा जा रहा है कि साहब हमें एक कहीं ज्यादा युवा सेना चाहिए। यानी कि क्या कुछ ही महीनों या एक दो साल में यह सरकार अपने बयान बदलती रहती है? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? कल मैं एक न्यूज चैनल का एक हिस्सा देख रहा था ट्विटर पर, डिबेट का एक हिस्सा, जिसमें
एंकर महोदया कांग्रेस के प्रवक्ता से यह पूछ रही थी कि अब तो सेना ऐसे जायज ठहरा रही है, अब आप सेना का भी विरोध करेंगे। ये पत्रकार जो सरकार के हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो उस पर सवाल उठने चाहिए, यही लोकतंत्र का स्वरूप है। और मैं बार बार दोहराते रहा हूं कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि इस देश की एक लंबी चौड़ी परंपरा है अहिंसात्मक सत्याग्रह की। अगर आपको लगता है कि आपकी बात में दम है तो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखिए। ढेरों मिसालें हैं हमारे सामने और उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, मगर सरकार के सामने घुटने भी नहीं टेकना चाहिए जिस तरह से पत्रकार घुटने टेक रहे हैं। बहरहाल यह बात भी स्पष्ट है दोस्तों कि सेना ने इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ा रुख अपना लिया है और जो लोग इस वक्त हिंसा अख्तियार कर रहे हैं उनके लिए कल क्या बयान दिया गया आप खुद सुनिए। आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है, बगैर उठाए बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है, देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है, सी इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज, एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा, अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता, इट इज सिंपल। उधर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कटघरे में विपक्ष के नेताओं को रख रही है। वो कह रही है कि विपक्ष के नेता जो हैं वो इसका षड्यंत्र रच रहे हैं, वो इसकी साजिश रच रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं बीजेपी को कि ये देश अब भी लोकतंत्र है, इस देश के अंदर अपनी बात रखने की आजादी है। अगर इस देश के विपक्ष के नेताओं को लगता है कि यह नीति गलत है तो उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे, जैसा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह जो योजना है कहीं इसके पीछे आरएसएस की कोई गुप्त योजना तो नहीं है, कहीं ये सैनिकों का मनरेगा तो नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जो शिक्षित है क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा और केवल 75% जो है वो हट जाएंगे, केवल 25% की संभावना है, यानी बेरोजगार होने की इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज्यादा है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, जिस तरह से भाजपा सवाल खड़े कर रही है, भाजपा को जरा अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर भाजपा के ये दो नेता, एक है कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे हैं केंद्र सरकार में मंत्री किशन रेड्डी। कैलाश विजयवर्गीय ने तो बहुत ही शर्मनाक बयान दिया कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा गार्ड रखना होगा तो मैं इन अग्निवीरों को प्रेफर करूंगा। ये इज्जत है इनके मन में सेना की। किशन रेड्डी क्या कहते हैं कि ये जो अग्निवीर हैं बाद में जाके धोबी नाई गार्ड्स चौकीदार ये तमाम चीजें बन सकते हैं। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, जो आदमी देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, अपने पलटन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, क्या आप अंततः उसे इस राह पर चलाना चाहते हैं कि आप अपने राजनीतिक दफ्तर का चौकीदार बनाएंगे उसको? क्या चल रहा है आपके जहन में? बहरहाल तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्या जब भी इस प्रकार का आंदोलन होता है केवल विपक्ष को ठहरा दिया जाता, इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ विपक्ष को ठहरा दिया गया, तो ये कहीं तरीके से जायज नहीं है। पॉलिटिकली अगर आप देखें या लोकतंत्र में हम लोग अगर देखें डेमोक्रेसी में, तो विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना, सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का क्या करें, उनके नेता हैं संजय जायसवाल,
प्रदर्शन करने वाले छात्रों को वो देशभक्त नहीं मानते, दूसरा वो नीतीश कुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनके प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए संजय जायसवाल क्या कह रहे हैं। जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। तीन दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वह अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिस कर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही दिक्कत है कि इनसे जो भी सवाल करेगा वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, इन तमाम शब्दों से उन्हें नवाजा जाएगा। कांग्रेस भी दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, रविवार के दिन मैदान में उतरी थी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कई अहम सवाल अपने इस मंच से उठाए जब वो जंतर मंतर में मौजूद थी। सुनिए उनकी बात। और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोल कर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े घने, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अफसोस की बात यह है दोस्तों, फैसले लेती है बीजेपी, फैसले लेती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मगर फिर मोदी सरकार का प्रचार तंत्र इतना सक्रिय हो जाता है कि इनसे सवाल पूछना भी गैर वाजिब है, गैर कानूनी है और देशद्रोह है। खैर, जो पत्रकार इनसे सवाल करते हैं वो तो इनके लिए देशद्रोही हैं। मैं समझना चाहता हूं, क्या जिन पूर्व सैनिकों का जिक्र अभी अभी मैंने किया, क्या वो भी देशद्रोही हैं? क्या विपक्ष जो जनता के सवाल रखता है क्या वो भी देशद्रोही है? होगा क्या अंत में, मैं जानना चाहता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी देशभक्त नहीं बचेगा, यानी कि बीजेपी के पैमानों पर जो खरा नहीं उतरेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ये कॉमेडी चल रही है राजनीति के नाम पर, यह कॉमेडी चल रही है गवर्नेंस के नाम पर। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी शर्म कीजिए। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।